हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम इंडिया के भी और वर्ल्ड्स के भी कंप्लीट करेंगे और हिमाचल प्रदेश के भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है आपके पहला क्वेश्चन। इसके नोट्स का लिंक आपको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी यहाँ पे है, हाल ही में किस देश ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एडीबी के साथ 400 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो दोस्तों, वो है हमारा देश इंडिया, ठीक है। और दोस्तों, इस बात को आप केवल इसमें ध्यान रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है, कि लगातार भारत तीसरी बार इसका अध्यक्ष बना हुआ है, तीसरी बार इसका अध्यक्ष बना हुआ है। और वनडे इतिहास में भारत 3,000 सिक्सेस लगाने वाला पहली भारतीय क्रिकेट टीम है। भारतीय क्रिकेट टीम ने 3,000 सिक्सेस लगा चुकी है, जो कि अब पहले रैंक पे आ चुकी है, पहली क्रिकेट टीम बन चुकी है। तो ये इंडिया के एडिशनल क्वेश्चंस है जो आपको मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आईसीसी के तीन फॉर्मेट में भी नंबर 1 बना हमारा देश भारत। और दोस्तों, वही आपका दूसरा क्वेश्चन, अब ये आया, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये आपका 14 नवंबर को मनाया गया है। तो दोस्तों, अब आपको इसमें कुछ और भी याद रखने होंगे, क्योंकि जैसे आपका 1 नवंबर को कौन सा दिवस होता है, 2 नवंबर को कौन सा होता है, 3 नवंबर को कौन सा होता है, और दोस्तों यहाँ पे 9 नवंबर रखना रखना याद, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर पे लिखा हुआ है। राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने लिखा है, 1 नवंबर को आपको विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है, 2002 को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु, और आपका तीसरा आपका इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे भी मनाया जाता है, और विश्व जेलीफिश दिवस, और 9 नवंबर को आपका राष्ट्रीय कानून दिवस, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है, और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण के लिए, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफिक डे, और 10 नवंबर को शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, और 11 नवंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है दोस्तों, ये आप मैंने कल के नोट्स में भी डाला हुआ है, कि 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किस मिनिस्टर के नाम पर ये मनाया जाता है? तो वो उनका नाम है अबुल कलाम जी, जो हमारे देश के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो दोस्तों, ये चीज़ें भी आपको इसमें ऐड करनी है। अब 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोकसभा प्रसारण दिवस भी मनाया गया है दोस्तों। जो राष्ट्रीय लोकसभा प्रसारण दिवस है, ये जब महात्मा गांधी जी ने पहली बार रेडियो पे अपना जो है भाषण दिया था, ठीक है। और 13वां आपको विश्वविद्यालयता दिवस, 14 नवंबर मैक्सिमम्स को पता है चिल्ड्रन डे होता है, लेकिन विश्व मधुमेह डे भी आपका 14 नवंबर को होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ओपीईसी ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया याद रखेंगे प्लीज। अब दोस्तों, वैसे ही आपका 4th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस से सुरक्षित वापस लाया गया? जो हमारे देश का जहाज था, हमने किस देश से उसको वापस सुरक्षित लाया है? तो उस देश का नाम है आपका ईरान, ठीक है। अब ईरान की भी आपको कुछ लेटेस्ट करंट्स पता होने चाहिए, कि ईरान में आजकल क्या चला हुआ है। जो मुवाजिर ड्रोन का इन्होंने क्या किया है, उद्घाटन किया है। एससीओ का ये नया स्थायी सदस्य बना है अभी ही, और दूसरे सैन्य ये काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है ये वाला, कि दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफल प्रशिक्षण भी किया है, नूर 2, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों, इसके बाद आपका आता है ये क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो वो है आपके ब्रिटेन का। अब दोस्तों, ब्रिटेन के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी आपको याद होने चाहिए, कि ब्रिटेन में क्या चला हुआ है, सबसे शक्तिशाली वल्कन 2020 बनाने वाला बना है, और टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और दोस्तों, आपके लिए ये होमवर्क है, कि ब्रिटेन का प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? कमेंट में आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। अब दोस्तों, आपके हिमाचल प्रदेश का आ गया, हिमाचल प्रदेश का पहला डेयर सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो दोस्तों, ये आपका जिला ऊना में होगा,
अब डेयर सेंटर हिमाचल गवर्नमेंट कितनी लागत से बनाएगी ये भी आपको पता होना चाहिए, 12.92 करोड़ का होना चाहिए। और इसके लिए MOU साइन भी हो चुका है। और ट्रेनिंग सेंटर में इसके के कितने प्रकार होंगे, तो दोस्तों ये याद रखना कि ट्रेनिंग सेंटर के 3 प्रकार होंगे। तो ये है आपका डेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे है, ऊना में है। तो दोस्तों ऊना में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बन रहा है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल कहाँ पे है, हरोली में है जो अभी अभी ही बना हुआ है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले को केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल की स्थापना की मंजूरी दी है, तो वो है आपका कांगड़ा जिला। तो दोस्तों ये कितने लागत से बना है, 132 करोड़ से। और दोस्तों ये टूरिज्म कैपिटल मैंने इसलिए लिखा है कि हमारे जो जो भी है कि कांगड़ा को अब टूरिज्म कैपिटल की ओर ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अब दोस्तों इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, गोवा में चल रही कबड्डी टीम में हिमाचल की बेटियों ने कौन सा पदक जीता, सभी को पता ही है स्वर्ण पदक, और जो विनर प्लेयर उसका नाम है पुष्पा राणा जी। और दोस्तों कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि उसका मैच किसके साथ हुआ था, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि हरियाणा से उसका आखिरी मैच हुआ था जिससे वो 32-23 पॉइंट से जीत गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हुए आज के 16 नवंबर के। तो दोस्तों अभी हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके सितंबर अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर भी पूरे किए जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे यही नहीं कहता कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं इसी से आपके कंप्लीट होंगे करंट अफेयर, आप प्लीज नोट्स को देखिएगा क्योंकि उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।